सरदारपुर विधानसभा के कांग्रेसी विधायक प्रताप ग्रेवाल द्वारा इन दिनों अपने क्षेत्र की विकास की मांगों को लेकर अनूठा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जो विगत 7 दिनों से जारी है तथा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल विधायक प्रताप ग्रेवाल के अनुसार सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सुदूर सड़कों के काम प्रारंभ करने की घोषणा के साथ ही अन्य विकास के अधूरे पड़े कार्य स्वीकृत नहीं किए गए। ऐसे में विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और लोगों में भारी कठिनाइयां हैं, इसका राजनीतिक लाभ भाजपा उठाएगी। कई बार इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री सहित जिम्मेदारों को भी अवगत करा दिया गया, मांगे की गई पर सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में क्षेत्रीय प्रभावित लोगों के साथ क्रमिक धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है ताकि आवाज जिम्मेदारों तक पहुँच सके और क्षेत्र के रुके हुए विकास कार्य पूर्ण हो सके। इस धरने प्रदर्शन में प्रतिदिन विधानसभा के प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों से जनप्रतिनिधि और आम जन जुड़ रहे हैं तथा हाथों में तख्तियां लिए अपनी परेशानियों को सामने रखकर सरकार से विकास कार्यों को पूर्ण करने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में जून का महीना चल रहा है, कुछ ही दिनों में मानसून दस्तक देने वाला है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सुदूर सड़क व खेत सड़क की स्वीकृति प्रदान करने की उद्घोषणा के बावजूद स्वीकृति प्रदान नहीं करने एवं सरदारपुर विधानसभा में विगत 2 से 3 वर्षों से सुदूर सड़कों के कार्य अपूर्ण होने से विधायक प्रताप ग्रेवाल के नेतृत्व में जारी क्रमिक धरने प्रदर्शन के 8वें दिन गुरुवार को सरपंच संघ तहसील सरदारपुर के सरपंच गणों सहित ग्राम मोरगांव मिंडा आदि ग्रामों के जनप्रतिनिधियों ग्रामीणों ने धरना स्थल जनपद कार्यालय के नजदीक स्थित गणेश मंदिर प्रांगण में पहुंचकर समर्थन दिया। ग्रामीण जन अत्यंत आवश्यक नवीन सुदूर सड़क सहित अन्य विकास कार्यों की स्वीकृति की मांग करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर बैठे थे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, समस्या किसानों की है और रोड सड़क योजना जितनी भी थी, सारी सुदूर सड़क योजना, प्रधानमंत्री योजना, ग्राम सड़क योजना, सारी योजनाएं बंद कर दी गई है। प्रदेश सरकार से हम ये चाहते हैं कि जितने भी ग्रामीण जनता की और गांव के लोगों की समस्या है, सड़क के माध्यम से किसान अपने खेतों पर खेती का कार्य करने जाते हैं। सुदूर सड़क योजना बंद कर रखी है, रोजगार गारंटी के रोड सारे बंद कर रखे हैं। हम चाहते हैं प्रदेश मुख्यमंत्री जी से के आह्वान करते हैं कि रोड जितनी भी समस्याएं हैं ये सब चालू करें, रोड के निर्माण कार्य के लिए पैसा स्वीकृत करें और मंजूरी दे। और इसी कारण से हम सरदारपुर विधायक साहब महोदय के साथ साथ में बैठे हैं और आगे भी आंदोलन करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। विगत 20 साल से सरदारपुर तहसील में शिवराज सरकार सरदारपुर क्षेत्र के हमारे विधायक जी के साथ में सौतेला व्यवहार कर रही हैं। जो भी ग्रामीण की योजनाएं, जन लोक कल्याण योजनाएं, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ग्राम की समस्या जो सुदूर सड़क है, मिंडा से सतनाम हाईवे तक का जो रोड है, वो विगत 15 साल से माननीय विधायक जी ने उसको स्वीकृत करवाया था, जिला पंचायत के माध्यम से उसको ग्रेवल रोड में लिया और उसके बाद में फिर तीसरे चरण में अभी डामरीकरण होना था, पर कुछ राजनीतिक द्वेषता के कारण उसको रुकवा दिया गया है। उसी कारण में हम लोग धरने पर विधायक जी के सानिध्य में बैठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि प्रदेश की सरकार गुंगी बेरी हमारी बात को अगर सुन ले तो ठीक है, अन्यथा समय आ रहा है कि उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और जनता बहुत जागरूक है। जय हिंद, जय भारत। हमारा जो सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में सुदूर सड़क के, खेत सड़क के, स्लेब कलवर्ट के जो काम स्वीकृत हुए थे 19-20-21 में, उन कार्य वो कार्य कहीं अधूरे हैं, कहीं कार्य प्रारंभ ही नहीं हुए हैं और कहीं भी नए काम की सुदूर सड़क की स्वीकृति आज तक नहीं मिली है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने 7 दिसंबर और 10 फरवरी को घोषणा की थी कि एक ग्राम पंचायत में 25 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन आज तक, आज 9 जून हो गया है, थोड़े समय बाद में मानसून का मध्य प्रदेश में प्रवेश होने वाला है। 15,000 रुपए की सुदूर सड़क की स्वीकृति हुई थी लेकिन उक्त कार्य आज तक नहीं चालू हुआ है। हम प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से पूछना चाहते हैं कि सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र वासियों के साथ में भेदभाव क्यों, सौतेला व्यवहार क्यों,
इस बात को लेकर के आज हमारा धरना प्रदर्शन जारी है और ये निरंतर जारी रहेगा।